नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस में वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो दोस्तों आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से डिग्री या फिर आपने कोई डिप्लोमा या ट्वेल्थ किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक भी अपनी वीडियो के नीचे लिखा हुआ है। अगर आप जैसे कि उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, जहाँ से आपको फॉर्म फिल करने में इजी होगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसे एक पेज ओपन होकर आएगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस का। यहाँ पर आप देखिए, दिस रजिस्ट्रेशन इज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF आपकी ओपन होगी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की। जी हाँ, ये जो PDF है इसमें सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, क्या एग्ज़ाम रहेगा, कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट की वैकेंसीज है, मतलब किस नाम से है, क्या क्या पोस्ट रहेंगी, सीनियर की कितनी है, जूनियर की कितनी है, क्या आपका पे स्केल है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, सब चीज़ इसमें आपको मेंशन हो जाएगी। देखिए सीनियर असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है लेवल 2 लेवल 7 की। साथ ही साथ 8 से जो सीनियर असिस्टेंट पोस्ट है वो 8 पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट की 30 पोस्ट हैं यहाँ पे। साथ ही साथ जूनियर अकाउंटेंट की भी पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 50 से 60 पोस्ट हैं अभी जो अवेलेबल हैं। डिग्री आपको किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। आपकी जो एज होगी वो 27 से नीचे की होगी। 21 से 27 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने डिग्री ली हुई हो, डिप्लोमा किया हुआ हो, ट्वेल्थ किया हुआ हो किसी भी बोर्ड से, आप इसे फिल कर सकते हैं। साथ साथ इसमें SC ST OBC सब जिस भी कैटेगरी के लोग हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखिए, कैटेगरी वाइज भी पोस्ट मेंशन कर रखी है। जी यहाँ देखिए ऐसे करके यहाँ पे एज लिमिट है, यहाँ पे 18 से 27 तक की, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 5 ईयर 3 ईयर 10 ईयर, यहाँ पे टोटल यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं एंड सिंपल सा फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ जाएंगे वापस से इस पे, तो यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन डिटेल, पंजीकरण के लिए विवरण। जब आप विवरण देंगे, अपना नाम, अपना नंबर, मेल आईडी, कैटेगरी एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ डालेंगे, देन यहाँ पर सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। इसके आगे का आपको पेमेंट कैसे करनी होगी, पेमेंट मोड क्या रहेगा, उसके लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, एग्जाम डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए धन्यवाद।